कालीबाज नेता के गुंडों पर एक्शन। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में किया था हंगामा, सोसाइटी में किया था पथराव, गार्ड को भी पीटने का आरोप। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी अब तक फरार हैं। यूपी पुलिस श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रही है। इस बीच रविवार 7 अगस्त को देर रात सोसाइटी के अंदर कुछ लड़के घुस आए और सोसाइटी में पथराव करते हुए हंगामा कर दिया। इसके साथ ही सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट करने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि हंगामा कर रहे लोग अपने साथ लाठी डंडे लेकर आए थे। इस दौरान पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई, जिसकी खबर सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा करने वाले 6-7 लड़कों को हिरासत में ले लिया। ये लड़के श्रीकांत त्यागी की पत्नी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में मौके पर पहुंचे बीजेपी सांसद महेश शर्मा का बयान भी सामने आया है। सोसाइटी में घुसे गुंडों और उनके हंगामा करने की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि वो शर्मिंदा हैं। मार रहे सर, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लखुमार को फोन किया, जब रणवीर को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये कहते हुए हमारी सरकार। सर FIR अभी करवाइए सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे सोसाइटी में अपनी शर्मिंदगी दिखाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। वहीं नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महेश शर्मा ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से भी फोन पर बात की और कहा, हमारी सरकार है, हमें ये कहते हुए यहाँ शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पता करिए 15 लड़के कैसे सोसाइटी में घुसे। बता दें कि श्रीकांत त्यागी का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक त्यागी बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल में है। त्यागी खुद बीजेपी से जुड़ा होने का वादा करता रहा है। पार्टी के कई नेताओं के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन पार्टी ने इस बात से इनकार किया है। इस बीच श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का फैसला भी लिया गया है। उसकी तलाश में अब तक कई ठिकानों पर पुलिस छापा मार चुकी है। श्रीकांत की 5 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि श्रीकांत की तलाश में 4 टीमें गठित की गई हैं। श्रीकांत त्यागी की तलाश के दौरान पुलिस को श्रीकांत के घर में तहखाना मिला है। इस तहखाने का रास्ता नीचे दरवाजे से होकर बेसमेंट में बनी पार्किंग के लिए जाता है, लेकिन विवाद बढ़ते ही सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने रातों रात दीवार खड़ी करके रास्ते को बंद कर दिया, जिसके बारे में यहाँ के किसी भी सोसाइटी वासी को नहीं पता था। लेकिन जब ये बात बाहर आई तो एक बड़ा मुद्दा बन गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बेसमेंट में बना तहखाना आरोपी श्रीकांत के फ्लैट के नीचे है, जिसका रास्ता सीधा नीचे बनी पार्किंग के लिए निकलता है। फिलहाल दीवार खड़ी करके इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तहखाने को लेकर श्रीकांत त्यागी की छोटी बहन ने कहा कि ये कोई तहखाना नहीं है, बल्कि एक स्टोर रूम है और ग्राउंड फ्लोर पर सोसाइटी में जितने भी फ्लैट हैं, उन सब में सोसाइटी की तरफ से स्टोर रूम दिया गया है। वहीं ये रास्ता भारी भरकम सामान को लाने ले जाने के लिए लगाया गया है, जो अब बंद है। आशंका जताई जा रही है कि श्रीकांत त्यागी को जब पुलिस ढूंढ रही थी तो इसी तहखाने और इसमें लगे गेट के रास्ते से पार्किंग में खड़ी खुद की गाड़ी से श्रीकांत भाग निकला, जिसे किसी ने नहीं देखा। फिलहाल इस रास्ते को पूरी तरह से रातों रात दीवार लगाकर बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 93 स्थित ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी की रहवासी एक महिला ने अपनी आवासीय सोसाइटी में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी को कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी। इसको लेकर हुई बहस के बीच त्यागी ने महिला के साथ बदसलूकी करते हुए कथित तौर पर मारपीट की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और केस दर्ज कर लिया था। फिलहाल मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।